बेगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y02 T फोन में साइड बैक बटन सेटिंग कैसे इनेबल करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में बूथ साइड जेस्चर बैक बटन को ऐड करना चाहते हैं बट गाइस अगर अपने फोन में ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको सेटिंग ऐस करके बता रहा हूं अपने फोन में बूथ साइड जेस्चर बैक बटन गाइस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो काफी अच्छी बटन है, जो थ्री बटन आपको नीचे देखने को मिलते हैं, तीनों बटन हाइड हो जाएगा, ठीक है, जिससे अपने फोन में लेफ्ट या फिर राइट साइड से बैक करना चाहेंगे बिल्कुल गाइस बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बूथ साइड जेस्चर बैक बटन को लगाना कैसे मैं आपको लगा के गाइस बिल्कुल दिखा रहा हूं। साइड में देखिए फोन मिल जाएगा, ठीक है। आपको पहले करना क्या, अपने फोन की सेटिंग गाइस ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग एक्चुअली गाइस ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, यहां पर गाइस क्लिक कर लेना है। यहां पर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, यहां पर गाइस क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक्चुअली जब गाइस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा जेस्चर नेविगेशन, यहाँ पर गाइस क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे देखो थ्री बटन जो है वो गाइस हमारे फोन से बिल्कुल हाइड हो चुकी है, ठीक है। हाइड बटन बार का एक ऑप्शन है, अगर आप गाइस इसको इनेबल कर देंगे, जो यहाँ पे अभी एक लाइनिंग शो हो रही थी वो भी गाइस यहाँ पे बिल्कुल हाइड हो चुका है, ठीक है। हम अगर इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे लाइनिंग का बटन गाइस बिल्कुल शो होगा। अब देखिए करना क्या, अगर अपने फोन में हम राइट साइड से बैक करेंगे बैक हो जाएगा, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड से बैक करेंगे बिल्कुल गाइस बैक हो जाएगा। अगर हम नीचे से स्लाइड कर देंगे तो यहाँ पे गाइस ऑल बिल्कुल बैक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बूथ साइड जेस्चर बैक बटन, ठीक है। तो अगर आप भी अपने फोन में इस बटन को लगा के गाइस यूज करना चाहते हैं तो सेम इसे गाइस बिल्कुल सेटिंग करके अपने फोन में बैक बटन को लगा के गाइस यूज गाइस कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।